हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साहिल और लेके आया मैं अपनी नई यूट्यूब वीडियो जिसमें मैं आपको ये क्वेरी का आंसर दूंगा कि क्यूनेट का कैंट और जो मार्केट में कैंट मिल रहा है दोनों में क्या डिफरेंस है। और लोगों ने मुझसे ये पूछा कि क्यूनेट का कैंट कॉस्टली क्यों है मार्केट के कैंट से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूंगा, आप प्लीज उसको देख लीजिएगा। वो क्यूनेट के कैंट के डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकेशन सारा कुछ है। तो और साथ में मैं एक स्क्रीनशॉट दूंगा वीडियो में कि इन्होंने मेरे से क्या क्वेश्चन पूछा है क्यूनेट के कैंट के ऊपर। तो चलिए वीडियो को प्रॉपरली शुरू करते हैं। देखिए, जो भी मैन्युफैक्चरर होगा वो प्रोडक्ट जब बनाता है मैन्युफैक्चर करता है तो उसमें वो डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिकेशन के साथ अलग 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 तरीके के प्रोडक्ट बनाता है। कैंट एक कंपनी है, वाटर प्यूरिफायर की कंपनी है। आपने उसके फ्लिपकार्ट पे भी देखे होंगे, आपने मार्केट में भी देखा होगा, 8,000 से लेके रेंज 60,000 तक है। तो क्यूनेट के कैंट में ऐसा स्पेशल क्या है? स्पेशल कुछ भी नहीं है, वो भी एक प्रोडक्ट ही है, बट वो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है जो क्यूनेट और कैंट का जो आपस का बॉन्ड साइन होता है, एग्रीमेंट साइन होता है, तो वो एक ऐसा स्पेशल प्रोडक्ट होगा जो मार्केट में नहीं सेल होगा। अगर वो भी मार्केट में सेल होगा तो मार्केट में जो रिटेलर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वही अपनी कमीशन अर्न करेंगे। तो क्यूनेट अपना एक ऐसा नेटवर्क बनाना चाहता है कि वो प्रोडक्ट सिर्फ क्यूनेट के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो ही सेल करेंगे, तो उन्हीं के डिस्ट्रीब्यूटर को ही कमीशन मिलेगी। ये एक रेवेन्यू मॉडल होता है नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। ये अलग अलग कंपनी में, अलग अलग इंडस्ट्री में मॉडल्स है। अब जैसे वेस्टीज का आप नाम लेंगे या और किसी कंपनी का आप नाम लेंगे जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करती है, अगर उसके पास कोई कैंट का प्रोडक्ट होगा वाटर प्यूरिफायर, तो वो अलग होगा, वो क्यूनेट के पास नहीं होगा, वो रिटेलर के पास नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट अभी की जो गाइडलाइंस आने वाली हैं उसमें ये साफ साफ लिखा गया है, अगर किसी भी साइट पे आप उनका प्रोडक्ट सेल करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने क्यूनेट से कैंट ले लिया और आपने वो अमेजोन पे बेचना चाहा, तो वो नहीं बेच सकते जब तक क्यूनेट की परमिशन आपके पास नहीं है। ये नई ड्राफ्ट गाइडलाइंस है और जो फॉर्मुलेट होने वाली है। तो मुझे आपको ये समझाना है इन द एंड, क्यूनेट का कैंट मार्केट में नहीं मिलेगा, उसका जो प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड हुआ है वो कैंट डिसाइड करेगा। कैंट ने क्यूनेट को अपना एक मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोडक्ट दिया है, तो उनका आपस में टाइप है जो वो डिस्प्ले करेंगे अपने पोर्टल पे, और वो क्यूनेट के डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, चाहे वो खुद खरीदे या वो किसी और को सेल करे। तो ये कॉन्सेप्ट है। फ्लिपकार्ट पे भी 60,000 का कैंट का वाटर प्यूरिफायर है, 8,000 का भी है, आप चाहे तो वहां से ले सकते हैं, बट इनका पास जो एल्कलाइन आरओ मिनरल वाटर का प्रोडक्ट है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको मिलता है तो प्लीज 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 आप सबसे रिक्वेस्ट है, मुझे कहीं से भी लिंक ला के दीजिए। अगर आपको लगता है कि क्यूनेट का प्रोडक्ट कैंट वाला जो है वो 40,000 का, अगर आपको वही सेम प्रोडक्ट 10,000, 20,000 या उससे कम में मिल रहा है, चाहे वो 30,000 में मिल रहा है, तो प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप मुझे वो लिंक ला के दीजिए। मैं डेफिनेटली, आप भी चाहें तो क्यूनेट में कंप्लेंट कर सकते हैं और मैं भी क्यूनेट में कंप्लेंट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा तो पोर्टल ऑलरेडी लॉगिन है, तो मैं डायरेक्ट कंप्लेंट डाल सकता हूँ क्यूनेट को। ये पूछा जा सकता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आपके पास जो प्रोडक्ट है कैंट का वो बाहर कैसे सेल हो रहा है, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने पर्सनली कैंट के कस्टमर केयर पे कॉल किया था, उन्होंने कहा था ये प्रोडक्ट हम नहीं सेल कर सकते, ये क्यूनेट के IR या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही आपको लेना पड़ेगा। और इनफैक्ट कैंट के एक रिप्रेजेंटेटिव जो सेल्समैन है उनसे भी बात की थी मैंने नोएडा में, उन्होंने भी सेम रिप्लाई दिया था। अगर आप भी ऐसा कुछ टेस्ट करके देखना चाहते हैं तो प्लीज देखिए, हो सकता है मुझे आंसर अलग मिले, आपको अलग मिले। अगर वो कहता कि ये प्रोडक्ट मैं आपको सेल कर सकता हूं, तो प्लीज उसका कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग या कुछ टाइप से प्रूफ दीजिए, ताकि हम क्यूनेट को बोल के इस पे आंसर ले सकें कि कैंट आरओ जो आपके पास 40,000 का है वो कहीं और से हमें सस्ता कैसे मिल रहा है। कॉस्टली कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता, हम अफोर्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये हम पे डिपेंड है। अगर मेरी पॉकेट अलाउ नहीं करेगी प्रोडक्ट के खरीदने की, तो मैं नहीं खरीदूंगा भाई। अगर आप ऐसी बात है
तो आपके पास या दुनिया के पास आईफोन होगा। आईफोन तो लाख लाख का भी है तो वो आपके लिए कॉस्टली नहीं है। क्यूनेट के पास जो केंट है वो 40,000 का, वो कॉस्टली है नहीं ना। आप चाहे तो 8,000 वाला भी लगवा सकते हैं, आप 10,000 वाला भी लगवा सकते हैं। सेम टाइप का प्रोडक्ट तो आपको नहीं मिल रहा ना, कुछ तो डिफरेंस होगा जो, और वो प्रोडक्ट केंट का है। तो अगर क्यूनेट की जिम्मेदारी है उस प्रोडक्ट में, तो केंट की भी उतनी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि दोनों का आपस में टाइप हुआ है। तो मेरे को आपको यही समझाना है, दोनों के बीच में स्पेसिफिकेशंस को प्लीज स्टडी कीजिए। अगर सेम टाइप का मॉडल नंबर, सेम टाइप की स्पेसिफिकेशन, सेम टाइप का प्रोडक्ट अगर आपको सस्ते में मार्केट में मिल रहा है क्यूनेट केंट वाला, क्योंकि उस पर साफ साफ लिखा होगा यहाँ पे केंट, नीचे क्यूनेट, उनका मिनरल अल्कलाइन मिनरल आरओ वाटर प्यूरीफायर, अगर सेम मिल रहा है तो प्लीज मुझे लिंक ला के दीजिए या कुछ भी प्रूफ दीजिए। डेफिनेटली मैं खुद पर्सनली कंप्लेन करना चाहता हूँ कि ऐसा डिफरेंस मुझे मिले, पर लोग कह रहे हैं कि हाँ दोनों सेम है, ऐसा है वैसा है, दोनों को कंपेरिजन करके सेम दिखाया जाता है। उसका कोई यूज नहीं है जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं होंगे। मुझे पर्सनली कोई प्रूफ नहीं मिला है, आप लोग लाके दीजिए। और इतना कहूंगा, क्यूनेट केंट, एक ने मुझसे ये भी पूछा कि क्यूनेट केंट लेने में क्या बेनिफिट है। देखिए बेनिफिट मार्केट में, अगर आप केंट का आरओ प्योरीफायर उठाएंगे या कुछ भी उठाएंगे, पैसे देंगे प्रोडक्ट लेंगे, सेम चीज आपको क्यूनेट में भी करनी है, क्यूनेट को पैसा देंगे प्रोडक्ट लेंगे। बट यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ मिलती है बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसको सेल भी करके कमीशन ले सकते हैं। पर मार्केट वाला जो प्रोडक्ट होता है, जब तक आप पूरा प्रॉपर रिटेलर का लाइसेंस नहीं लेते, डिस्ट्रीब्यूशनशिप का लाइसेंस नहीं लेते, आप कंपनी के साथ टाई अप नहीं करते पर्सनली, तब तक आप वो सेल नहीं कर सकते। अगर आप पर्सनली एक दो सेल कर लेंगे, आपको 1,000, 2,000, 5,000 की कमीशन जो भी मिलेगी मिलेगी, सेम कमीशन आपको क्यूनेट में भी मिलेगी। बट ये वाला प्रोडक्ट आपको क्यूनेट में सिर्फ इसलिए टाई अप होके मिलेगा ताकि क्यूनेट के डिस्ट्रीब्यूटर्स या आईआर ही कमीशन अर्न कर सके। और इस प्रोडक्ट में कुछ तो अलग खास बात है, दोनों की स्पेसिफिकेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक डाल दूंगा, प्लीज उसको थोड़ा स्टडी कीजिए। और अगर आपको और भी कुछ क्वेरीज लग रही हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली उनका आंसर देने की कोशिश करूंगा। और केंट क्यूनेट का क्लैरिफिकेशन तो यहाँ पे हो गया, नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन मैं ये करने वाला हूँ कि क्यूनेट काम कैसे करता है, क्यूनेट है क्या। एक ने मुझसे ये भी पूछा, क्या क्यूनेट नेटवर्क मार्केटिंग है या MLM है या क्या है, तो उनको मैं रिप्लाई दूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो आपको केंट क्यूनेट और नॉर्मल क्यूनेट में, केंट क्यूनेट और नॉर्मल केंट आरओ प्यूरीफायर्स में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि क्यूनेट के ऊपर वीडियोस बना के आपको अवेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।